वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैंने ब्लैक एंड डेकर का 1 कप कॉफ़ी मेकर जो है वो नून से ऑनलाइन मंगवाया। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये यूजर मैनुअल है इसका। इसमें ये सारे इसके पार्ट्स की डिटेल है। ये इसमें 125 ml का सिरामिक का कप भी है। सबसे पहले जितने इसके पार्ट्स हैं वो हम निकाल लेंगे जो पैकिंग के हैं। ये इसकी लिड है। और ये पानी डालने के लिए हमारे पास ये है। और इसमें ये निशान लगा हुआ है कि मैक्सिमम हमने इस बार तक पानी डालना है। इसको पहले इधर साइड पे कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कीफ है और कीफ के अंदर ये हमारे पास फिल्टर है इसका। इसके ऊपर ऐसे रख देते हैं और ये कप। और इसको 220 पे हम प्लग इन करेंगे। सबसे पहले हम इसको ऐसे ही चलाएंगे। इस कप को धो रहे थे और जितने ये पार्ट्स हैं हम इनको पहले वॉश कर लेते हैं। नीम गर्म पानी और सोप के साथ मैंने इसको वॉश कर लिया। सबसे पहले हम इसमें पानी डालते हैं। अब ये जो इसका लेवल दिया गया है मैक्सिमम वाटर का जो लेवल है उससे हम ऊपर नहीं लेके जाएंगे, उस तक डाल देते हैं। लिड को क्लोज कर लेते हैं। ये याद रखें कि जब आप पानी डाल लें तो इसको हम इस तरफ को रोटेट कर लेंगे, मूव कर लेंगे। ये बंद कर दिया। अब ये हमारे पास ये इसका स्विच है। ये वन टाइम स्विच है। जब हम प्लग इन करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, फिर हम इसको प्रेस करते हैं। फर्स्ट टाइम हम इसको ऐसे ही चलाएंगे विदाउट एडिंग कॉफ़ी ऐड किए बगैर, ताकि अंदर से ये सारे जितने इसके पार्ट्स हैं वो अच्छे से गर्म पानी जब होगा तो वो क्लीन हो जाएंगे। क्योंकि जो रिमूवेबल पार्ट्स हैं वो तो हमने क्लीन कर लिए, वॉश कर लिए, लेकिन इसको भी अभी एक दफ़ा सादा पानी डाल के हम इसको पहले करें चलाते हैं। अब ये जो इसका स्विच है इसको मैं प्रेस करूँगी, ये ऑन हो गया। अब ये देखिए इसने ब्रू करना स्टार्ट कर दिया। पानी खत्म हो चुका है। अब हम ऑटोमेटिकली ये ऑफ हो जाएगा, वरना हम इसको मैन्युअली भी बंद कर सकते हैं। हम इसको जो इसके फिल्टर्स हैं और ये कीफ है इसको निकाल लेते हैं। जब भी आपने कॉफ़ी बनानी होगी बस इनको निकाल के आपने वॉश करना होगा।
इसको मैंने ड्राई कर लिया। चले आए हम कॉफ़ी बनाते हैं, इसमें देखते हैं कैसी बनती है। और इसमें कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं पानी ऐड करती हूँ रिजर्वॉयर में। अब यहाँ पे ये मैंने कप लिया, कप के अंदर शुगर ऐड कर दी। अब ये जो फिल्टर है हमारा, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ये 2 स्पून मैंने कॉफ़ी के लिए। अब किसी भी चीज़ के साथ हम इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। कप मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसको हल्के से मैं प्रेस कर दूँगी। अब ये जो हमारा, क्योंकि पानी की आउटलेट है, तो इसको यहाँ पे करके लिड को क्लोज करके, अब हमने ये जो साइड पे बटन है, हमेशा इसको होल्ड करके रखिए क्योंकि ये बहुत लाइट सी है। ये हमारा जो बटन है, इसको प्रेस कर देंगे। लाइट स्विच में चेक कर लूँ, लाइट नहीं है। ये कॉफ़ी हमारी तैयार हो गई है। इसका टेस्ट कर लेते हैं। बहुत अच्छी, बिल्कुल परफेक्ट कॉफ़ी बनी है। और 1 मग के लिए बहुत अच्छी है, 1 कप कॉफ़ी के लिए बेस्ट है। और कॉम्पैक्ट साइज़ का डिज़ाइन है, कहीं पे भी आप रख सकते हैं, थोड़ी जगह घेरती है। और इतनी लाइट वेट है कि आप ट्रैवलिंग में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं तो इसको 5 स्टार दूंगी। जो बैचलर्स हैं या जो ट्रैवलर्स हैं, जो ज़्यादा ट्रैवलिंग में रहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट है। अभी मैंने ब्लैक कॉफ़ी बनाई है, फिर मैं आपके साथ कैपेचिनो भी शेयर करूंगी कि वो मैं इसमें कैसे बनाऊंगी।